हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए कुछ अपडेट लेकर आया हूं। इसमें एक स्कीम है NMMS यानी नेशनल मीन कम मेरिट, इसके लिए एक अपडेट मैं बताने जा रहा हूं। यह स्कीम क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए है, जिसमें वे अपना फ्रेश तथा रिन्यूअल का फॉर्म फिल करते हैं और उनको स्कॉलरशिप प्राप्त होती है। उस स्कॉलरशिप का ऑनलाइन करने का डेट केवल आज तक था, 30 तारीख तक, जो 15 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है, यानी 15 अक्टूबर 2024 तक वे अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे किसी भी कारणवश यदि अपना फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका आधार नहीं ले रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए कुछ समय मिल गया है, वे अपना छात्रवृत्ति 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी जो डेट थी आज ही तक थी, इसके बाद आपको 15 अक्टूबर यानी आज 30 सितंबर तक का डेट मिला था। इसमें बहुत से बच्चों का जो है आधार से दिक्कत आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, स्कैन नहीं हो पा रहा था, उनको 15 दिन का और समय दिया गया है। 15 दिन और जो है वे अपने फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, यानी 15 अक्टूबर तक वे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल से वेरिफिकेशन के लिए आप जो है 31 अक्टूबर तक स्कूल में अपना बच्चों का फॉर्म वेरीफाई कर सकता है, यानी कि जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे, 15 अक्टूबर तक फॉर्म फिल कर लेंगे, तो इसके बाद 31 अक्टूबर तक स्कूल जो है उसको वेरीफाई करेगा, यानी NMS स्कॉलरशिप का वेरिफिकेशन का डेट जो है 31 अक्टूबर है स्कूल के द्वारा। और डिस्ट्रिक्ट के द्वारा यदि वेरीफाई करना है, यानी डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन का डेट 15 दिन और बढ़ेगा, यानी 15 नवंबर तक जाएगा, यानी ये जो डेट है आज ख़त्म होने वाली थी वो 15 दिन और एक्सटेंशन किया गया है। 15 दिन और आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे छूट गए किसी कारण से, फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं पर पाए हैं, वे 15 अक्टूबर तक अपना फॉर्म जरूर से ज़रूर अपडेट करा ले। मैं तो कहूँगा कि उसके पहले ही करा ले, क्योंकि हो सकता है कि 15 अक्टूबर तक सर्वर सही से काम ना कर पाए और कुछ बच्चे छूट जाए। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो बच्चे किसी भी कारणवश यानी उनका मोबाइल नंबर या आधार में कोई प्रॉब्लम है, उनका OTR नहीं हो पा रहा है, तो वे अपने फॉर्म को 15 अक्टूबर तक अप्लाई करा सकते हैं। और स्कूल से वेरिफिकेशन जो है 15 अक्टूबर तक जो फॉर्म फिल हो जाएगा उसका वेरिफिकेशन 31 अक्टूबर तक विद्यालय द्वारा किया जाएगा। इसके बाद जिले से जो वेरिफिकेशन का टाइम है वह 31 अक्टूबर के बाद 15 दिन और मिलेगा, जिसमें जिले के नोडल अफसर के द्वारा उस छात्रवृत्ति को वेरीफाई किया जाएगा। तो आज के वीडियो का बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि 15 दिन और आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए समय प्राप्त कर चुके हैं। आप जल्दी से जाइए, अपना फॉर्म को अप्लाई करिए। अगर किसी तरह की समस्या आ रही है तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और दूसरे को भी आप शेयर कर सकते हैं, या वीडियो किसी और को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अपने फॉर्म को अप्लाई कर सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।